तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रहे कर। लक्ष्मी की मान लो, मायर संगी मान लो, एक वो एक पर्दे के पीछे दर्शा कर दे कोई भी चीज होती है। जी आप जैसे मतलब कोई भी लगा लो डायरेक्टली, मतलब वो चीजें मतलब दर्शकों को दिखाना चाहो, कितना कद तक सही हो? सही तो क्या, अब इतना ओपन हो चुकी है इंडस्ट्री कि अब कुछ भी पर्दे के पीछे होता ही नहीं है, हाइड कुछ रहता ही नहीं है। और ये सब सीखा है हमारे बॉलीवुड से। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है जैसे जैसे समय बढ़ता आगे निकल रहा है तो समय के साथ चलना चाहिए। तो अभी तो सिंदूर एक जो है ना, सुंदी एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तो वो चीज़ है कि इसमें पूरी मूवी में दिखाई जाएगी। तो वही स्ट्रगल वाला टाइम है जो पूरा एक लड़की को निभाना है कि अकेले लाइफ कैसे चलाई जाती है। और आपकी सिस्टर की बात करें, अंजलि राघोर की बात करें, वो एक प्योर जो हरियाणवी लैंग्वेज जिसको खड़ी बोली भी बोलते हैं, अक्सर स्टेटों में समझ में नहीं आती, दो तीन हाँ स्टेटों छोड़कर, और आप इस इंडस्ट्रीज में, तो कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म है? नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ। मैं सुशील सियाग फिलहाल आसी के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ में शिवानी राघोर जी मौजूद है, बड़ी फेमस इनकी सिस्टर। और ये दोनों, ये इनकी बात करें तो आज आसी के अंदर एक सिंदूर जो मूवी है उसकी शूटिंग होने लग रही है और कंटिन्यू ये एक हफ्ते के आसपास चलेगा, शायद इनसे ही जानेंगे। शिवानी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। पहले तो आप ये बताइए एक बार, जो हमारे दर्शक है ना, आप दोनों सिस्टरें कितने दिनों से काम करना चाहिए, आप जो इस इंडस्ट्रीज में है कितने दिनों से काम करना चाहिए? हमें इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक 9-10 साल अराउंड हो ही गए हैं, शायद ज़्यादा भी हो गए होंगे। तो काफ़ी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। हम ऑल ओवर, मैं मतलब वो प्रॉपरली हरियाणा में ज़्यादा करती है, मैं ऑल ओवर मतलब अपने इंडिया में काम करती हूँ, लाइक स्टेट में राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली। तो अभी फ़िलहाल हरियाणा के ऐसा नहीं है कि सॉन्ग्स नहीं करती, करती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं कुछ टाइम से मूवीज़ ही ज़्यादा कर रही हूँ। जी तो मूवी जैसे बात करें, दिल्ली है, बम्बई है या कोई अदर कंट्री है, उसके अंदर बहुत ज्यादा शूटिंग होती है। ये हरियाणा में 3-4 साल से बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्या खास रीजन है? क्योंकि हरियाणा अभी इतना ज़्यादा प्रमोट हो रहा है कि आप देखेंगे शायद मुंबई की भी, चाहे वेब सीरीज़ ले लीजिए, मूवीज़ ले लीजिए, सीरियल्स ले लीजिए, सब में हरियाणवी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जब वो लोग जानते भी नहीं है कि हरियाणवी लैंग्वेज कैसे बोली जाती है प्रॉपरली, तब वो लोग हरियाणा को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम हरियाणा में आकर हरियाणा को प्रमोट क्यों ना करें? जी जी तो बस ये हम भी सोचते हैं कि ठीक है, अपने हरियाणा में रहकर कुछ अच्छा किया जाए, कि हाँ मुंबई को हम हरियाणा में ले आए तो ज़्यादा बेटर है ना। बिल्कुल अच्छा, आज से पहले बात करें, कितनी जो मूवी है आपकी आ चुकी है और किस किस तरह का रोल आपने किया है? मेरी सबसे पहले, वैसे तो मूवीज़ पहले भी काफ़ी आई हैं, बट अभी यूट्यूब पे सोनेटेक से ही है, वो NCR मूवी है जो कि काफ़ी अच्छी है। बिंदा सर उसमें मतलब मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, तो बहुत अच्छी मूवी है। वो भी एक लड़की की फ़ाइट के ऊपर है कि उसके साथ मतलब कुछ रेप वगैरह हुआ था और वो कैसे फ़ाइट करती है अपने अगेंस्ट उनसे, तो वो अच्छी है। उसके बाद मेरी मूवी आई है बेटी, जो MX प्लेयर पर है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। उसका भी एक कहीं ना कहीं मोरल है उसमें भी, कि एक बेटी को कैसे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, एक माँ होती है जो सिंगल मदर होती है और वो अपनी बेटी को कैसे आगे बढ़ाती है और लाइफ में कैसे उसको मतलब दुनिया को फेस करके, जैसे भी आपको तो पता है कैसी दुनिया है, उसमें अपनी बेटी को इतने सारी चीज़ें फेस करना सिखाती है, तो वो भी बहुत अच्छी मूवी है। देन अभी मैंने इनकी एक और मूवी की थी रजनी सेकेंड, तो जो अभी रिलीजिंग पर मतलब एडिटिंग पर है, रिलीज़ नहीं हुई है, जल्दी ही रिलीज़ होगी और सोनेटेक पर देखने को भी मिलेगी। एंड देन अब ये फोर्थ मूवी है सिंदूर, जो हम लोग आज से शूट करेंगे। ये कितने दिन इसका प्रोसेस चलेगा हरियाणा के अंदर? इसका है 10 से 12 दिन का है अभी, और बाकी तो देखो काम के ऊपर है, अगर अच्छा चाहिए तो थोड़ा सा टाइम तो ऊपर नीचे चलता है, तो अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जी जी, आशु जी के साथ कितना टाइम हो गया काम?
आशु जी के साथ मेरी ये सेकंड मूवी है, फर्स्ट मेरी रजनी 2 थी उनके साथ और अब ये सेकंड मूवी है। काम अच्छा करते हैं वो, इसलिए मैंने इस मूवी के लिए भी बोल दिया कि हाँ मैं करूंगी, क्योंकि मेहनत दिखती है उनकी काम में। जी जी। और आपकी सिस्टर की बात करें, अंजलि राघोर की बात करें, वो एक प्योर जो हरियाणवी लैंग्वेज जिसको खड़ी बोली भी बोलते हैं, अक्सर स्टेटों में समझ में नहीं आती, दो तीन स्टेटों छोड़कर, और आप इस इंडस्ट्रीज में, तो कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म है? सारे प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर बेहतर ही होते हैं, बस उसे निभाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हरियाणा में ही करती है, वो हिंदी भी करती है। अभी उसकी जल्दी एक वेब सीरीज रिलीज होगी एमएक्स प्लेयर पर ही, जिसमें कि शायद मल्लिका शेरावत वगैरह भी हैं, तो वो हिंदी है प्रॉपर। ऐसा नहीं, अब मैंने भी हरियाणवी की हुई है, नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी रिलीज नहीं हुई है, तो वो हरियाणवी है प्रॉपर। तो ऐसा नहीं है, बस प्लेटफॉर्म दोनों सारे अच्छे होते हैं, बस बेहतर तरीके से उसे करना आना चाहिए। बिल्कुल। और आप मतलब फिलहाल हरियाणा के अंदर मौजूद हैं, आपने अदर कंट्री में भी कोई ऐसी मूवी की हो जो दिल को छू लेने वाली हो? अदर कंट्री में अभी मूवीज तो नहीं, पर हाँ सॉन्ग्स वगैरह किए हैं, दुबई थाईलैंड 2-3 बार जा चुकी हूँ करने, तो सॉन्ग्स वगैरह करती आई हूँ, लेकिन अभी मूवी का जब भी चांस मिलेगा तो मैं छोड़ूंगी तो नहीं, करूंगी जरूर। जी। मेन रोल क्या रहता है आपका, एडिट मतलब जो बोलते हैं उसको, डांसर का रहता है या एक्टर का रहता है, हीरोइन का रहता है, क्या रोल रहता है? मेन मेरा मेनली एक्ट्रेस का ही रहता है सब में। जी। कोई सॉन्ग वगैरह मतलब दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे सॉन्ग याद है? नहीं, सॉन्ग्स मतलब मेरे सॉन्ग्स। ओके हाँ, मेरे सॉन्ग्स तो अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो मेरे सॉन्ग्स मिलेंगे ना। हाँ, बाकी मैं सिंगिंग नहीं करती हूँ। नहीं, यूट्यूब तो सब दुनिया देखते ना, ऑलरेडी दर्शक सुनना चाह रहे आपके मुंह से। नहीं, बट मैं हरियाणवी में तो नहीं गा पाऊंगी। नहीं, प्योर हिंदी में सुनाइए, कोई नहीं, अभी हिंदी में। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर मुझे याद आता है तो सुनाती हूं। कोई नहीं, याद कर लो। अच्छा, जो यहाँ पर मान लो शिमला, इसके बाद आप शिमला बता रहे थे, आशु जी बता रहे थे, इसके बाद शिमला करेंगे, और जस्ट जल्दी मतलब ये एक जो मूवी को प्रमोट किया आ रही है जी, इसका और की बात करें दूसरे की अटके, तो इतना फास्टली कोई भी नहीं दे पाता, क्या रीजन है? रीजन है कि देखो, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और फिर टीम बहुत कोऑपरेटिव है। अगर एक ही एडिटर हमारे पास होगा तो ऑब्वियस बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है, 2-3 एडिटर रहते ही रहते हैं, तो अगर एक मूवी हमारी एडिट हो रही है तो सेकेंड हम शूट शुरू कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, काम से फ्लो भी नहीं हटता और मन भी लगा रहता है और काम भी हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। हरियाणा में बात करा, हरियाणवी इंडस्ट्रीज बहुत पॉपुलर है, था एक नंगड़ सॉन्ग सुना होगा आपने, उसके ऊपर आपका क्या मानना, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होगी थी और समाज में भी मतलब बहुत सारे लोग इससे नाराज थे, क्या इस तरह के सॉन्ग वाक्य में मतलब सही है? नहीं देखो, सॉन्ग क्या है ना कि ठीक है, एक जातिवाद को छोड़कर मुझे नहीं लगता कि किसी सॉन्ग पे कंट्रोवर्सी जरूरी है, क्योंकि सॉन्ग एक एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, तो कुछ लोगों को अच्छे भी लगे होंगे, अगर अच्छे नहीं लगते तो लोग डीजे पर प्ले ही नहीं करते, तो वो डीजे पर इतना चला तो लोगों को पसंद ही आ रहा होगा। बाकी हाँ, जातिवाद के ऊपर सॉन्ग्स करना वो मुझे भी नहीं सुनना पसंद, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी करे। बाकी हाँ, ऐसे सॉन्ग्स मुझे नहीं लगता इन पर कॉन्ट्रोवर्सी की ज़रूरत थी। ठीक है, पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो ना सुने, बट इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनती। 2 महीने पहले एक सॉन्ग हो रहा था, बरी कोर्ट में गोली मारा, कुछ इस तरह का सॉन्ग था, वो मतलब पूरी टीम के ऊपर ही मतलब केस हो गया था, कुछ इस तरह के जो आज के दिन राइटर है, बहुत सारे मतलब कलाकार है जो इस तरह से लिखते हैं या गाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहूँगा? देखिए, वो अगर ये लिखते हैं तो वो क्या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सोचकर लिखते होंगे। बाकी हाँ, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कुछ लोगों को पसंद आते हैं बदमाशी के सॉन्ग, कुछ को पसंद नहीं भी आते हैं, तो इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकती क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए, मुझे बदमाशी के सॉन्ग कुछ एक पसंद भी आ जाते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, तो दोनों हाथों में लड्डू है शिवानी जी के, बिल्कुल मतलब तरफ की तरफ नहीं करेगी, क्योंकि मतलब उसी लाइन से जुड़ी है सीधी बात ये है। ठीक है, अच्छा शिवानी जी, बात करें जैसे इस दौर से पीछे का दौर में जाए, 40-50 साल पीछे, जैसे हमारे हरियाणा में रागणी है लक्ष्मी की, मान लो मयूर संगी, मान लो एक वो एक पर्दे के पीछे दर्शा कर दे कोई भी चीज होती है, आप जैसे मतलब कोई भी लगा लो डायरेक्टली, मतलब वो चीजें मतलब दर्शकों को दिखाना चाहो, कितना कद तक सही हो? सही तो क्या, अब इतना ओपन हो चुकी है इंडस्ट्री की, अब कुछ भी पर्दे के पीछे होता ही नहीं, हाइड कुछ रहता ही नहीं है, और ये सब सीखा है हमारे बॉलीवुड से, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है जैसे जैसे समय बढ़ता आगे निकल रहा है तो समय के साथ चलना चाहिए, तो बस इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं, तो इसको आप वापस आप कंट्रोल करने की सोचेंगे तो वो नहीं हो सकता है।
हमारा समाज, हमारी संस्कृति इन चीजों को अलाउ नहीं करती, बहुत ज्यादा मतलब इसके ऊपर वो विवाद होता है। तो जैसे हरियाणा में, खासकर हरियाणा की बात करें, यूपी, राजस्थान और पंजाब की बात करें, तो इसके अंदर ये चीजें अलाउ नहीं करते और देखने वाले यहाँ बहुत ज्यादा लोग। बिल्कुल, क्योंकि आज भी हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यूपी में, राजस्थान में कि बड़े बुजुर्ग हैं नहीं, बिल्कुल हैं और वो अपनी पुरानी ही रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, तो वो लोग नहीं पसंद करते ये चीज़ें, ऑब्वियस। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन अब यंग जनरेशन भी है और यूट्यूब का टाइम है, तो हर बच्चे बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है जो कि वो यही पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है, उन लोगों को बिजनेस मिलता है, इन लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता है। तो इसलिए ऐसा है कि जो लोग भी ये करते हैं, मैं तो यही कहूँगी अपनी संस्कृति को बनाए रखें और वही चीज़ें निकालें तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि फैमिली के साथ देखने में जो मज़ा है ना, वो अकेले देखने में कभी नहीं आता। सिंदूर मूवी की बात कर लो, उसमें क्या मैन रोल रहने वाला है और आप क्या शिक्षा देने वाले हो उसमें पूरी मूवी में? सिंदूर मूवी का मैं एक बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाला कैरेक्टर है ये, कि मतलब एक लड़की जब वो विडो हो जाती है तो वो कैसे मतलब सरवाइव करती है, कैसे लोगों को फेस करती है, तो इसमें जो उसका स्ट्रगल है वो बहुत ही, क्योंकि ये तो सोचकर ही मतलब दुख हो जाता है कि किसी की लाइफ कितनी मुश्किल होती होगी, सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो बस वही चीज़ दिखाई जाएगी जिसको शायद मुझे करना है और मुझे नहीं पता मैं उसे अच्छे कैसे कर पाऊँगी। तो अभी तो सिंदूर एक जो है ना, सुंदी एक चुटकी सिंदूर की कीमत तो वो चीज़ है कि इसमें पूरी मूवी में दिखाई जाएगी। तो वही स्ट्रगल वाला टाइम है जो पूरा एक लड़की को निभाना है कि अकेले लाइफ कैसे चलाई जाती है, लड़की को दिखाना है। जेंट्स को भी तो उसमें रिप्रेजेंट कर दोगे ना, मतलब जेंट्स की भी दिखाओगे कि लड़की लड़की की दिखाओगे? अभी तक तो मुझे मेरे ही कैरेक्टर की पता है तो मैं वही बता सकती हूँ, सबका मैं रिवील नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरी ही स्टोरी पता है अभी। अक्सर देखें तो लड़की के ऊपर ही ज्यादा विवाद होता है, मतलब जन्म से लेके मरण तक, क्योंकि लड़कियों की ही लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है। क्योंकि जैसे कि एक पुरानी मूवी की अगर बात करें, प्रेम रोग, तो अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया है कि जब कोई लड़की विडो हो जाती है तो फिर भी उसको जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, इतना परेशान अब नहीं करते, लेकिन पहले के टाइम में नहीं, उसके बाल कटवा देने चाहिए, वो ज़मीन पर सोती है, वो ये करती है, बहुत सारी रूल्स होते थे जो उसको अपनाने पड़ते थे। बट आज का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तकलीफें तो हैं क्योंकि किसी के बिना लाइफ कैसे चलती है वो दिखाना बहुत मुश्किल है, बट जीना तो पड़ता है। तो वो चीज़ें इसमें दिखाई जाएंगी कि कैसे रहना है, कैसे क्या होगा। जी, लास्ट में जो सिंदूर मूवी है उसके बारे में और अदर क्या मैसेज देना चाहोगे जितने साथी हमारे देखने लग रहे हैं? सिंदूर मूवी जो है इसमें सब बहुत ही मेहनत करेंगे और फिलहाल मुझे भी बहुत ही मेहनत करनी है क्योंकि मेरे लिए भी इस टाइप का कैरेक्टर फर्स्ट टाइम ही होगा। तो मैं यही चाहूँगी कि सबकी मेहनत है, तो जब ये मूवी रेडी हो जाए तो सब इसे ज़रूर देखें और बहुत प्यार दें और सपोर्ट करें। जी, बहुत ही पुराना सॉन्ग है और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसकी दो लाइन सुनाती हूँ। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रहे कर। बहुत प्यारा सॉन्ग है शिवानी जी, आपने तो है ना, मैंने और मजबूर कर दिया, और सुनना पड़ेगा इसके हटके दो लाइन और सुनाइए, प्लीज दो लाइन और सुनाइए, मतलब आपको देखकर हैरान हो जाओगे, इतने फैन हो जाओगे आपके इस जो मधुर सॉन्ग है, आपकी आवाज देखिए कितनी मधुर लग रही है दर्शकों को, प्लीज दो लाइन। मुझे सॉन्ग्स एक्चुअली याद नहीं होते हैं, ये तो बस याद आ गया तो सडन मैंने आपको सुना। कोई भी हरियाणवी की दो लाइन सुनाए, हरियाणवी सॉन्ग, हरियाणवी की, हरियाणवी सुनना पसंद है मुझे, लाइंस ऐसे नहीं आती हैं। पंजाबी सिर्फ हरियाणवी, हिंदी सुनती हूँ तो हिंदी समझ में आती है, हरियाणवी समझ आती है पर कभी गाई नहीं है। भाई ये थी हमारे साथ में शिवानी रागुर जी, जो अंजलि रागुर की जो सिस्टर है। फिलहाल शूटिंग का दौर है, जो मैंने बताया था जो सिंदूर मूवी की शूटिंग चल रही है उस जगह पर हम बैठे हैं और आपने इनके विचार सुने हैं। अगर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देंदे रहियो, कैसे विचार लगी है। मिलते किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में, सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग हांसी, धन्यवाद।